हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान पुलिस की एग्जाम डेट आ गई है, तो अभी थोड़ा सा तैयारी का लेवल बढ़ाना है। डेली हम टेस्ट करेंगे एक और बी पार्ट का। इससे सीरीज जो रहेगी ये 12 बजे वाली सीरीज, इसमें डेली हम राजस्थान पुलिस के लिए जो साइंस के क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं या सी पार्ट के क्वेश्चन हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा साइंस का टेस्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो कितने आप सही कर सकते हैं कॉमेंट करके बताना, और पूरा वीडियो देखना है कि किस तरह की आपकी तैयारी है। और इस तरह के डेली अगर टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी ओके कर देना। और एक 8 बजे डेली हमारा लाइव टेस्ट होता है 100 क्वेश्चन का, और राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर होता है 9 बजे रात को लाइव टेस्ट, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उन सब की पीडीएफ लेकर अगर आपको रिविजन करना है तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारंग सर के नाम से। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बार सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और फिर बता दीजिए कि पहले का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। पहला है कि निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के मध्य में प्रदर्शित होने वाला रंग कौन सा है। इंद्रधनुष के बीच में कलर कौन सा होता है, मध्य में कौन सा होता है, हरा रंग होता है, हरा रंग होता है, तो 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। दूसरा है कि रक्त समूह ए बी में उपस्थित प्रतिरक्षी कौन सा है, ब्लड ग्रुप ए बी में प्रतिरक्षी कौन सा होता है, बता दीजिए 2 का राइट आंसर। तो इसमें से कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता, ए बी में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि एल्यूमिनियम के किस लवण का प्रयोग सामान्यतः रक्त स्राव को रोकने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम के किस लवण का प्रयोग रक्त स्राव को रोकने के लिए यूज करते हैं, पोटास एलम का यूज किया जाता है, पोटास एलम का यूज करते हैं, यानी 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 5, 4 नंबर आपका है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। ये क्वेश्चन आपका पहले भी 2-3 बार आया हुआ है। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 आपका राइट आंसर। 4 है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का बनना और लाल रक्त कणिकाओं का विनाश होता है किस ग्रंथि में होता है, किसमें होता है ये, ठीक है, नॉर्मली पलिया में होता है। पलिया में नॉर्मली श्वेत रक्त कणिकाएं बनती है और लाल रक्त कणिकाओं का विनाश होता है, यानी 3 आपका राइट आंसर। चलिए मिनी माता रोग जो है उसका संबंध किससे है, किससे होता है मिनी माता रोग, और मिनी माता रोग जो है पारा से, मिनी माता रोग पारा से, 2 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि जल में वायु का बुलबुला जो है वो किस लेंस की तरह कार्य करता है। जल में जो वायु का बुलबुला होता है वो किस लेंस की तरह काम करता है, उत्तल लेंस की तरह काम करता है, किस लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, 1 आपका राइट आंसर। 8 नंबर कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजीन को फाइब्रीन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा होता है। रक्त का थक्का बनने में नॉर्मली जो यूज काम आता है वो होता है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन होता है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कि किस मिश्र धातुओं को अलमगम कहते हैं, कौन सी मिश्र धातुओं को अलमगम कहा जाता है, तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पारा और जस्ता को, पारा और दस्ता की मिश्र धातुओं को अमलगम कहते हैं, अमलगम कहा जाता है, 4 आपका राइट आंसर। अगला है कि डायप्टर किसका मात्रक होता है, डायप्टर जो है वो किसका मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का होता है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कि लाल रक्त कणिकाएं है वो किसमें बनती है, लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है, सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मरकरी सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड, 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है, लिफ्ट में मनुष्य का जो प्रत्यक्ष वजन है वास्तविक वजन से कम है वो कब रहता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर जा रही होती है उस टाइम, जब लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर जा रही होती है उस टाइम, तो 2 आपका राइट आंसर। चलिए प्रतिजन वह पदार्थ है, प्रतिजन कौन सा पदार्थ होता है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है, प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है, यानी 3 आपका राइट आंसर। 15 आपका है कि संचायक बैटरी में कौन सी धातु काम में ली जाती है, प्रयुक्त धातु बता दीजिए, संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु होती है सीसा, कौन सी, सीसा, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि उत्तल और अवतल लेंस की क्षमता होती है,
उत्तल लेंस की और अवतल लेंस की क्षमता बता दीजिए। उत्तल लेंस की धनात्मक, अवतल लेंस की ऋणात्मक। उत्तल लेंस की धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक, यानी एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन जो है वो शीत रकत वाला जानवर है? शीत रकत वाला जानवर की पहचान करनी है, भेड़िया। भेड़िया यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 18, कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? निकट दृष्टि रोग के लिए, दोष के लिए कौन सा लेंस है वो काम में लिया जाता है? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 18 का सही आंसर? तो अवतल लेंस, अवतल लेंस तो 2 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 19, इनमें से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु किसको कहते हैं? टाइटेनियम को, टाइटेनियम तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 20, निर्वात में अंतरिक्ष यात्री खड़े नहीं हो पाते, क्यों नहीं हो पाते? निर्वात में अंतरिक्ष यात्री खड़े नहीं हो पाते क्योंकि वहां पर गुरुत्व नहीं होता है उसकी वजह से, तो 1 आपका राइट आंसर। 21 है कि रंगाई में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? रंगाई में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है जिंक फास्फेट। जिंक फास्फेट का यूज होता है, तो 1 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसके समान होती है, कितनी होती है? तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग से कम होती है, लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग से कम होती है, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 23, कि चांदी के बर्तन कुछ समय के बाद में काले पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? चांदी के बर्तन कुछ समय के बाद में काले पड़ जाते हैं क्योंकि चांदी पर जो है वो किसका लेप आ जाता है? सल्फाइड का लेप बन जाने की वजह से होता है, सल्फाइड का लेप बनने की वजह से। 24 है कि प्रकाशित यंत्र में लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना किस घटना पर आधारित होता है? प्रकाशित यंत्र में लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की घटना जो है वो किस पर आधारित होती है? अपवर्तन की वजह से होती है, अपवर्तन। 2 आपका राइट आंसर। 25 है कि तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमा की अवधि कितनी होती है? तुल्यकाली उपग्रह की अवधि होती है वो 24 घंटे ही होती है, 24 घंटे यानी 2 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि धातुओं का राजा किसको कहा जाता है? धातुओं का राजा कहते हैं सोने को, यानी 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा? अग्नाशय में पाई जाती है, अग्नाशय में 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, कि दूरदृष्टि दोष या हाइपरोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का यूज करते हैं? दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज। 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 29, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सिल्वर आयोडाइड, कौन सिल्वर सही है? जिंक सल्फाइड, फॉस्फर वूल सही है, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा और जिंक फॉस्फाइड चूहा विष। 4 नंबर गलत है, बाकी आपके सही है। कृत्रिम वर्षा वाला ज्यादा याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित कौन सा हार्मोन करता है? तो परावर्तू हार्मोन, परावर्तू हार्मोन करता है। 3 आपका राइट आंसर। 31 है कि उत्तल लेंस का संबंध में सही कौन सा है? उत्तल लेंस के बारे में कौन सा कथन सही है कि मध्य की अपेक्षा किनारों पर ज्यादा मोटा होता है? उत्तल लेंस मध्य की बजाय किनारों पर ज्यादा मोटा होता है, तो 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला है कि भारहीनता कब होती है, कहां पर भारहीनता? जहां पर गुरुत्वाकर्षण की स्थिति 0 होती है, जहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता भारहीनता है, तो 1 आपका राइट आंसर। 33 है कि लुनार काष्ठी का रासायनिक नाम क्या है? लुनार काष्ठी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। 2 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, कि मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम है वो क्या प्रदान करता है? कोलोस्ट्रम की वजह से ये रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। 3 आपका राइट आंसर। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन है वो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है वो बना सकता है, कौन बना सकता है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। 1 आपका राइट आंसर। 36 नंबर आपका, कि बारूद का निर्माण करने में प्रयुक्त किया जाने वाला यौगिक कौन सा है? बारूद निर्माण में इसका पोटेशियम नाइट्रेट का,
पोटेशियम नाइट्रेट का तो 2 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है अतिचालक की भांति व्यवहार करता है। अतिचालक की भांति व्यवहार करता है पारा, यानी 2 हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 38, इनमें से कौन सा कथनों में से सही कौन सा है, आराम से पढ़िए और बता दीजिए सही कौन सा है। आयोडीन है वो अग्नाशय के द्वारा स्थापित होती है और कोलेस्ट्रॉल स्तर के नियंत्रण में सहायता करती है। ये बिल्कुल सही है, 2 चीजें, ये तो कि कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित कौन करता है, आयोडीन, और आयोडीन जो है वो अग्नाशय के द्वारा स्थापित होती है, तो 3 हो जाएगा राइट आंसर। 49 आपका है कि फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप है, फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप आता है स्पेद फास्फोरस है, स्पेद फास्फोरस, तो राइट आंसर का 3 नंबर। 40 है कि चले 4 कथन है, आराम से पढ़िए और बता दीजिए कि सही कौन सा लग रहा है इसमें से। ठीक है, निकट दृष्टि वाले व्यक्ति समीप की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, निकट दृष्टि वाले व्यक्ति समीप की वस्तुओं को अच्छे से देख पाते हैं, तो राइट आंसर का 4 नंबर। 41 है कि श्वेत फास्फोरस एकीय वायुमंडल में कास्टिक सोडा और सांद्र हुए विलयन से विक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का निर्माण करते हैं, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का निर्माण करते हैं, एक आपका राइट आंसर। 42 है कि इनमें से रुधिर शर्करा स्तर को कौन नियंत्रित करता है, रुधिर शर्करा स्तर को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो लेंगरहेंस की दीपिकाओं के द्वारा, लेंगरहेंस की दीपिकाओं के द्वारा, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। 43 है विद्युत का सबसे अच्छा धातु सूचालक कौन सा है, और सबसे अधिक अच्छा धातु सूचालक आता है चांदी, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44, पटाखों के निर्माण में किसका यूज किया जाता है, पटाखों में क्या यूज करते हैं, काला फास्फोरस यूज करते हैं, काला फास्फोरस का यूज किया जाता है, तो 2 आपका राइट आंसर। 45 है कि जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है, जरा दृष्टि रोग के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, ड्यूफोकसी लेंस, ड्यूफोकसी लेंस का यूज होता है, तो 3 आपका राइट आंसर। 46 नंबर, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी, या राइट आंसर का 2 नंबर। और 47, माचिस में किसका यूज किया जाता है, माचिस में क्या प्रयोग होता है, माचिस में यूज होता है काला फास्फोरस, काला फास्फोरस का यूज करते हैं, तो 2 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 48, कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट है वो किसका बना हुआ होता है, फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन का, यानी 3 आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 49, कि पीला फास्फोरस है वो किसमें रखा जाता है, पीला फास्फोरस जो है वो जल में रखते हैं, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 50 आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने से पहले पहले अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कर दीजिए और फिर आंसर दे दीजिए कि गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है, तो एस्ट्रोजन की, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपने 50 में से कितने सही किए हैं कमेंट करके बता दीजिए कि 50 में से आपका स्कोर क्या रहा है। और अगर आपको PDF लेनी है तो आप PDF ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च कर लेना प्रहलाद आंसर के नाम से। 8 बजे और रात को 9 बजे 2 लाइव टेस्ट होते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो जो भी आपका स्कोर बना है कि कितने आपने सही किए हैं कॉमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।